या ऑब्वियसली मैंने 3 to 4 times ऑडिशन दिया था इसके लिए. फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन दिया तो ऐसे ही रैंडमली दिया, क्योंकि काफ़ी ऑडिशंस दे रही थी, कहीं पे हो नहीं रहा था. सो मैंने कहा ठीक है दे देते इसका भी, क्योंकि ऑडिशन देना तो हमारा वर्क है इसीलिए काम होगा. तो नेक्स्ट डे दे कॉल मी फॉर मॉक शूट एंड मैं यहाँ पर आई एंड मॉक शूट किया. और मुझे आइडिया नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिन्नी का करेक्टर है, शी इज़ अ बाउंसर एंड हर एटीट्यूड एंड ऑल ये सब, तो उस तरीके से मुझे लगा नहीं था कि आई विल बी शॉर्ट लिस्टेड और आई विल बी मतलब मैं करूँगी ये करेक्टर. बट मतलब एट द एंड मुझे कॉल आया एंड उन्होंने बोला कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस. मैंने कहा ओ वाह दैट्स ग्रेट, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ऐसी हेल्दी लड़कियाँ जो बाउंसर काइंड ऑफ थी वो सब आई हुई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा उनमें से किसी का होगा. मैंने अपना तो सोचा ही नहीं था, तो ऐसे मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था. एक्चुअली मैं उस फीलिंग को बयां नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे फेजेस चलते हैं कभी कभी लाइफ में कि आप कभी कभी ओवर एक्साइटेड ना ही हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है. तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे कोई फीलिंग जाहिर नहीं की. मैंने कहा कि जब तक शूट और प्रोमो शूट और टेलीकास्ट नहीं हो जाता, ऑन एयर नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई ओवर एक्साइटेड नहीं होंगी. बहुत अच्छी है सारा पूरा क्रू, पूरे को एक्टर्स सारे बहुत अच्छे हैं, सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है. इवन हसीना मलिक, युक्ति एंड अपना चीता, एवरीवन, पुष्पा मैम, सारे के सारे बहुत अच्छे. अपना चिंगारी गैंग तो फिर हमारी एक फैमिली ही है, हमारा तो सब साथ में ही शूट होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट एक्चुअली वेलकम तो हमारा हमेशा ऐसे ही था, बट ये है कि ना समटाइम्स ऐसे होता है कि सब रश में होते हैं, तो कभी कभी वेलकम करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट डे टेलीकास्ट करना है तो शूट करना है, सो उसके लिए अपना शूट जो है वही वेलकम था हमारा. मैं कहूँगी बस हमें भी उतना प्यार दीजिए जितना आप लोगों ने मैडम सर के सारे कास्ट को दिया है, जितने भी पहले लोग हैं, हमें भी उतना प्यार दीजिए, क्योंकि हम किसी को यहाँ पे ना ही किसी का स्पेस छीनने आए हैं, ना ही किसी से, हम भी तो आप लोगों से प्यार लेने आए हैं, और ना ही किसी से हम उनका जो चल रहा है. मैडम सर ही रहेंगी, चिंगारी गैंग ही है, बस यही है.